आज हमारे किचन में बन रहा है स्पेशल चना चाट, जिसकी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि हमने दो कप लिए हैं चने बॉईल किए हुए, उसको उबाल लिया है, दो अदद आलू लिए हैं वो भी बॉईल करके हमने बारीक बारीक पीस कर लिए हैं इसके छोटे, आधा किलो दही ली है, ये पापड़ी ली है हमने जो बाहर से रेडी मिलती है, ये धनिया लिया है बारीक काटा हुआ है हमने बारीक काट लिया है, ये बारीक प्याज है और ये टमाटर हैं, ये कुटी हुई मिर्च है जो बारीक कटी हुई, एक चम्मच आधी चम्मच ये है, डेढ़ चम्मच चाट मसाला है और ये बारीक टमाटर हमने काट लिए हैं और ये छोटे छोटे पीस करके हमने आलू के चिप्स बना लिए हैं बिल्कुल बारीक बारीक क्रिस्पी बन गए हैं, और ये है चटनी बनाई है हमने मीठी, चार खजूर लिए हैं, इसमें इमली का पानी सिरका और इसमें नमक और कुटी हुई मिर्च शामिल करके हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है इसे, और ये रायता है जिसमें ग्रीन चटनी डाल के हमने दही, हरी मिर्चें और धनिया पुदीना और लहसुन डाल के इसमें हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, और ये तैयार फुल्कियाँ हमने ली हैं जिसको हमने नीम पानी में बॉईल नीम गर्म पानी में डाल के इसको छान के बिल्कुल नरम कहते हैं निकाल लिया है, इसका पानी बिल्कुल हमने निकाल लिया है। तो अब हम ये दही है आधा किलो दही की, चलिए अब हम तैयार करते हैं स्पेशल चना चाट। अब स्पेशल चना चाट की हम दो लेयर बनाएंगे, पहले हम दही नीचे लास्ट में पहले दही डालेंगे, पहले हम इसमें नीचे दही डाल देंगे फर्स्ट में, इसके बाद हम ऊपर इसके चने ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि उसकी दो लेयर्स बनानी है और इसके इसका जायका भी आना चाहिए दही का। अब इसमें चने हम डाल दिए हैं, अब इसके हम ऊपर हम आलू डालेंगे थोड़े थोड़े करके, क्योंकि आपको स्पेशल चना चाट है क्योंकि दो लेयर्स बनेंगे इसकी। बिल्कुल बारीक बारीक पीस करने हैं, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। अब इसमें हम टमाटर बारीक बारीक थोड़े थोड़े इसमें डालते जाएंगे, ये दिखने से भी बहुत अच्छा और मज़ेदार है खाने में। अब इसमें हम ये फुल्कियाँ जो हमने बॉईल की हैं वो भी इसमें रखते जाएंगे, थोड़ी हम लास्ट के लिए भी बचाएंगे, क्योंकि चना चाट में और दही भल्ले में ये फुल्कियाँ बाहर से भी जो हम खाते हैं उसमें चाट में होती हैं जो काफ़ी बड़ी साइज़ की होती हैं, तो ये बिल्कुल छोटी छोटी हैं। अब थोड़ी हम ये लास्ट के लिए बचाएंगे। अब इसमें हम कुटी हुई थोड़ी सी मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा लास्ट के लिए बचाएंगे, प्याज ऐड करेंगे इसमें हम, ये भी लास्ट के लिए बचाएंगे हम थोड़ा सा, ये हरा धनिया है ये भी हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा लास्ट के लिए बचाएंगे हम, ये स्पाइसी जो हमने बनाए हैं हमने चिप्स वो भी इसके साथ थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे हम और थोड़ा लास्ट के लिए रख देंगे।
देखिए इसका कलर भी अच्छा है, इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और ये कलरफुल भी है। और इसके ऊपर हम मीठी चटनी थोड़ी थोड़ी करके शामिल करेंगे इसमें। ये खट्टी मीठी है, उसका टेस्ट सब जगह आना चाहिए। अब आधी हम बचा लेंगे लास्ट के लिए और अब रायता डालेंगे हम इसमें, ग्रीन रायता जो हर घर में बनता है, हर समोसे में, हर चीज़ में हम खा सकते हैं, कबाब में, हर चीज़ में हम डाल सकते हैं। अब इसके साथ हम पापड़ी भी ऐड करेंगे, फिर हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे प्लेयर्स को। ये बन गई हमारी पहली लेयर्स, अब हम इसको रिपीट करेंगे दोबारा। अब हम दोबारा इसकी दूसरी लेयर्स तैयार करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही जो हमने पहले नीचे डाला था, अब दोबारा इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा दही होगी उतना ही इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा और टेस्टी होगा। थोड़ा सा हम लास्ट के लिए बचाएंगे। अब इसमें हम चने शामिल करेंगे, अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। अब ये चने हम शामिल करेंगे इसमें। बाकी हम थोड़ी छोड़ देंगे। अब इसमें आलू हम दोबारा डालेंगे। ये हमने इसमें डाल दिए हैं आलू, सब डाल दिए हैं। अब इसमें टमाटर हैं जो हमने बचाए थे, ये हम दोबारा इसमें डालेंगे। ये दूसरी लेयर्स हम बना रहे हैं, पहली हमारी लेयर्स तैयार हो गई थी, इसके बाद हम दूसरी लेयर्स बना रहे हैं। ये टमाटर डाल देंगे सारे इसमें। अब ये जो फुल्कियाँ जो हमने बचाई थी, जो हमने पानी में से निकाल के इसका पानी निकाल दिया था, अब इसके ऊपर दोबारा हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसे धनिया है जो हम इसमें ऐड करेंगे। से भी कितना कलरफुल है और खाने में भी इतना स्पाइसी होगा। अभी कुटी हुई मिर्च है, ये हम शामिल करेंगे थोड़ी थोड़ी करके, इस साइड डाल देंगे हम। चाट मसाला है, ये भी हम थोड़ा थोड़ा करके सारे में शामिल कर देंगे, हम पूरा डाल देंगे ये हम, क्योंकि स्पाइसी है और चटपटा भी है। ये प्याज ऐड करेंगे इसमें हम, अब इसमें ये चटनी है इमली की वो हम शामिल करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके। ये ये
रायता है जो हम इसमें शामिल करेंगे। रायते की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हमारे पास बचे हैं ये चिप्स, ये जो हम ऊपर डालेंगे इसके। ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, छोटे छोटे बना के बच्चों को भी खिला सकते हैं हम। अब ये दही जो हमारे पास बची है वो जो हम इसमें थोड़े थोड़े करके शामिल कर लेंगे। फिर हम नीचे से इसको जब मिलाएंगे, इनको नीचे से निकालेंगे हम सर्व करने के लिए, तो इसमें दही भी शामिल होगी। अब ये पापड़ी है हमारे पास जो बची है जो हम लास्ट में डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर है इसका और कितनी कलरफुल है और बहुत ही स्पाइसी है और चटपटी भी है। तो ये तैयार है हमारी स्पेशल चना चाट। स्पेशल चना चाट हमारी तैयार है। आप इसे इफ्तारी में बनाएं और इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी है। मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।